तो माशाल्लाह हुरैन फ्रेश हो गया है। हुरैन अपना ड्रेस दिखा दो इधर आके। ओहो माशाल्लाह, आज आपको ये वेयर करके बाहर चलना है। अच्छा हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं, फिर चेंज करेंगे दोनों, ठीक है? ओके जी। तो आज हुरैन ने अपना न्यू ड्रेस पहना है, नाइट सूट। हैप्पी? ये कौन लाया? डैडी? मम्मी लाए? ये पापा लाए आपके लिए? यस। ये देखो मेरा हुरैन ने मम्मा का हेयर बैंड वेयर किया है ना। काजल दिखाओ, आंखें खोल के दिखाते काजल। अभी हम जा रहे हैं सब्जियां लेने के लिए आज, और हमारे साथ है निशा, हुरैन, और ये फ्री में आया है मेरे साथ। इसको पता नहीं था लेना था, मेरे पास आता था बाद में। तो ये, और बड़ी जिद कर रहा था कि ड्राइविंग मैं करूंगा, वो तो शुक्र है कि मैं कर रही हूँ। उसके साथ होते हुए अब मैं ड्राइविंग नहीं कर पाती। मम्मी को सिखा देता हूँ, गाड़ी जैसे सिखाने में टेस्ट ले। ये सबसे वाले आंटी है क्या? हाँ। ये भी लगाते इधर? लेकिन इनको ज्यादा वैरायटी नहीं, अपने वाले के पास पूरी वैरायटी। नहीं नहीं थोड़ी सी डालना भैया, नहीं है हम ही है बस। बीन्स लो, ले लो। अच्छी बनती है। हाँ ऊपर आना है, अकेले आई? नहीं ना भैया। क्या लाए मम्मा? वाओ, ये भाई लेके दी आपको? हैप्पी? निकाल निकाल निकाल। तो आज सवेरे सवेरे आ गया है पार्सल, वो भी हुरैन का। हुरैन देखो कितनी एक्साइटेड है। किसका पार्सल है ये? ये ड्रेस इसने जस्ट अभी चेंज करी है, इसकी न्यू ड्रेस आया है, तो ये ट्रायल। हाँ तो हुरैन ने ट्राई किया। ये क्या है? ये आपका है? रियली? तो ये क्या है? ये है क्या? अच्छा ठीक है, मम्मा ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये अनबॉक्स हो गया है और अब इसे भी अनबॉक्स करना है। लाओ दो। ये पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये साइकिल दिखने में कुछ ऐसी है, और अब यहाँ पे हो रहा है इसका इंस्टॉलेशन। हुरैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगेन ये भी येलो कलर है, वो भी येलो ही था। हैप्पी? इतना समझ रहा? तमश भाई आ गए ये वाला पेटी लेके, इसमें हमारे पूरे ही इसके टूल्स होंगे ना, इसमें कुछ आए होंगे ना। 5 hours later लाइट्स बहुत ज़्यादा चालू है, मैं ऑफ करती हूँ पहले। हाँ अब आ जाओ, अब ठीक है। अब कम लाइट्स है। नहीं अभी भी काम है। अब ठीक है, हुरैन आ जाओ। इधर आओ, मेरा बच्चा इतना, मेरा बेबी छोला। ये मेरा क्यूटी पाई का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तो आज हुरैन को हम बाहर लेके जा रहे हैं। बताओ कुछ, कहा जा रहे हो? अभी लॉक करूं? आज जा रहे भाभी हमारे घर छोटे झोपड़े में कुछ नया देखने के लिए और कुछ चेंज देखने के लिए। वहां पे भाभी आज करेंगे डिनर। चलो चलिए। हाँ। बोलो ओके। चलो और हुरैन क्या खाएगा है ना? क्या बताओ, वहां पे देख के बताओ क्या खाएगा हुरैन? चीजी नानी जा। चलो ये सीधी पहनो, उल्टी है सीधी पहनो। तो ये अल्तमश आ गया है कार लेके। डैडी साइड में बैठे हैं, अल्तमश ड्राइविंग कर रहा है। हा?
बैठो नहीं उल्लो और लद्दा अब ठीक है ना दिए तो मेरी परी देखो देख रही वो भी कि भाई ने चलाई है चलो फिर आ जाओ खोलो मम्मी सामने बैठो किसको अटेंड कर रही आ जाओ रहन तो कोई ना ना सो हम निकल गए गाइस ये हमारा भाई है जो आजकल हमें कार नहीं दे रहा है मम्मी की कार पे इसका कब्जा है मुझे लगता है मेरी गाड़ी पे यही हाथ साफ कर लेगा अच्छे से है ना नंदा फिर मर्सिडीज मुझे नहीं इसी को मिल जाएगी नहीं लेकिन मेरी गाड़ी अच्छी है छोटी सी प्यारी सी ना छोटी है ना बहुत बड़ी है बहुत प्यारी सी है क्यों नंदा फ्री है ना बिल्कुल लेकिन कुछ सोच के ही मुझे गाड़ी लेके दी मम्मी अच्छी के पापा अच्छे मम्मी पापा उसके तो पापा ही अच्छे मम्मी अच्छी के पापा अच्छे पापा अच्छे के मम्मी अच्छे ये दोनों बोलो ना पापा अच्छे मम्मी अच्छे पापा 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 बहुत अच्छे पापा है हाँ ये स्कूल किसकी है तो ये है मेरे न्यू वाले कॉर्ड सेट्स और ये लेकर आए थे लकी पूना से ही एक थे रानी पिंक वो फैब्रिक थोड़ा सा क्रंची फैब्रिक था हाँ बेटा हाँ मेरा है और अभी शोहर मियाँ जी चाह रहे हैं कि मैं आज ये वेयर करूँ तो चलो अब ये चेंज करते हैं तो मैंने अभी वेयर कर लिए हैं ये ब्यूटीफुल से कॉर्ड सेट्स और ये है बॉटल ग्रीन शेड में थोड़ा सा अलग ही ग्रीन है फैब्रिक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना लकी ने मेरे लिए तीन कॉर्ड सेट्स लाए एक मजेंटा पिंक जो मैं प्रीति के पहन के गई थी एक ये वाला और एक थोड़ा सा ब्लैक एंड ग्रेश है वो तो बहुत ज़्यादा प्यारा है तो मैंने इन्हें पेयर अप किया है इन वाले फुटवेयर के साथ जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है अब आ रहे हैं सासू मॉम तो चलो किचन में चलते हैं मुझे मेथी की सब्जी बनानी है तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्लान बताएंगे क्या है क्या आया ये क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ हुरेन जो दादी पास बैठ जो आ मेरे पास आ जा बैठो लेंगे जो दादी के पास बैठो आ इधर आ जाओ ना दादी मम्मा आए ना आप बैठो नो व्हाट अच्छा फूफू हाँ वो तो है बेटा पहले दादी मम्मा से तो मिल लो मस्तियाँ तो कर लो ना भाई कैसे कर ला आप करो चलो आप करो वो देखो फूफू भी है हाँ वाह माशाल्लाह फूफू भी अच्छा सेट हो गए अभी अल्तमस ओके ओके आपकी भी ले रही पिक्स ओके ले रहा हूँ आपकी भी पिक्स ले रहा हूँ हार्ट बना रही थी वो दिल का ऐसा ठीक है करो करो हाँ ऐसे हैंड करो हुरैन पहले इतनी ज्यादा फ्री फ्रैंक नहीं रहती थी अम्मी के साथ अब थोड़ा थोड़ा वो खुल रही है हाँ बताओ बहू यार फोटो बोल के पोज देने पड़ गई भैया को बुलाओ फोटो लेकर अभी रेडी हो चुका है सब कुछ बट अम्मी को और बाजी को अभी भूख नहीं है तो हम लोग रुक के खाएंगे और डाइनिंग टेबल का सेटिंग मैंने चेंज कर दिया था आपको फिर दिखाती हूँ अभी अम्मी आए हैं हमारी नागपुर वाली शू रैक कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है हाँ जी मम्मी ये बहुत
बहुत दिनों बाद हमें रिसीव हुए हैं पार्सल मिंत्रा के। देखते हैं इसमें क्या है। ये वाले जो ट्री है ना, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाए थे। ये इतने ब्यूटीफुल एकदम रियल लगते हैं। और अरे इधर आओ, कहाँ चलना है? अभी कहीं जाना बाहर मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा और बोर भी हो रहा है। तो बस लास्ट वीडियो में सबने कमेंट्स किए कि दुआ कीजिए। देखो दुआ मेरी सभी के लिए। हाँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुआ नहीं है। या और ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई है पता है, मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स में ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने तहज्जुद भी पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने मिरेकल्स भी देखे हैं कि वाकई में यार, मतलब जो वादे हमारे साथ किए गए हैं आयतों में कुरान शरीफ की और हदीस से हैं, या फिर जो वजीफे हैं, इसका मैंने देखा था कि रिजल्ट तो है, बट तहज्जुद के जो मिरेकल्स है ये बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग है। वाओ, अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। और दुआएं मेरी इंशाल्लाह, देखो बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए फिकर से है के साथ और शेयर करना चाहूँगी। मतलब कल रात में तो पता है मैं इतना मतलब रोई हूँ जिसे कहना चाहिए, एकदम सुनते से ही। मैं तो अब आपके साथ शेयर करूँगी ना, देखना कितने ऐसे कॉमेंट्स रहेंगे जो कहेंगे कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। गाज़ा में हालात ऐसे आ चुके हैं कि ऑब्वियसली मेडिसिन की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन अलग अलग देशों से, इंडिया से भी काफ़ी सारे मेडिसिन फलस्तीन गाज़ा हर जगह पहुँच रही हैं। लेकिन जो लेडीज़ की डिलीवरीज हो रही हैं और जो सीज़र स्पेशली जो सीज़र किए जा रहे हैं ना विदाउट एनेस्थीसिया किए जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं 7 लेयर्स होती हैं उसे जो कट किया जा रहा है, या जो तकलीफ है वो लेडीज़ विदाउट एनेस्थीसिया आज बर्दाश्त कर रही हैं। मतलब आप सिर्फ एक इमेजिन करके देखो, जो माएँ हैं यहाँ पर या जो कह रहे हैं, मतलब जो अलग है या जो मुझे कमेंट्स में कुछ अलग भी बोले कि क्या फलस्तीन के आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, ये वो अला बला सब, हालांकि फलस्तीन ही एक कंट्री रह चुकी है ना। कब्जा किसने किया ये सबको पता है, कब्जा करने वाला कौन है और आज़ादी की लड़ाई करने वाला कौन होता है ये सारी बातें सब जानते हैं। ये सारी चीज़ों को अलग रख दो, एक इंसानियत के नाते अगर सोचो आपकी विदाउट एनेस्थीसिया अगर माएँ उस तकलीफ में उस दर्द में ऑपरेशन करवा रही हैं तो उनकी कुर्बानियाँ क्या होगी। सदके दो, पता है सदके दो कि उनके लिए हर दवाइयाँ मुहैया की जाएं हर देशों से, उनके पास कोई कमी ना आए। और सबसे पहले तो अल्लाह खैर का मामला कर दे। तो ये तड़प के जो दुआएं हैं, जो अपडेट रहना है, वीडियोज़ जो बोलते हैं ना यूट्यूब पर निकाल के कुछ और देखना, ये सब हो ही नहीं रहा है सिवाय इन अपडेट्स के, कुछ और दिल ही नहीं कर रहा है कि हम देखें। तो आप भी फिक्र से तड़प से देखो नमाजें पढ़ो और कोशिश करो फजर और तहज्जुद को बिल्कुल भी मिस ना करो। और इंशाल्लाह मैंने लास्ट कुछ मंथ से पता है तहज्जुद, मतलब ये 2-3 मंथ्स ऐसे गए हैं या ऐसे रहे हैं थोड़े से बहुत ही मनुष्यत वाले बोलो या कुछ, मैंने तहज्जुद की पाबंदियाँ की और मैंने मिरेकल्स देखे। मुझे तो पता ही है, देखो मैंने वजीफे इतने किए हैं, मुझे पता है कि मिरेकल्स है, वजीफों में बहुत तासीर है, जो बोला गया है वो सच होता है, लेकिन तहज्जुद के मिरेकल्स बहुत अलग है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी ब्लॉग में वो भी शेयर करूँगी। अभी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें और तड़पे हुए दिल के साथ दुआएं करें सभी के लिए, आप हमारे लिए भी करें और आप सभी मेरी दुआओं में हैं। तो हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें और इंसानियत को ज़िंदा रखो यार, क्या रखा है, किसने क्या लेके जाना है इस दुनिया से, है ना, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।